व्हाट्स अप गाइस, आज का हमारा बैक का वर्कआउट अनफॉर्चुनेटली कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि शोल्डर की इंजरी अभी तक पूरी तरह से हील नहीं हुई है। शायद एक या दो दिन और लगेंगे पूरी तरह से हील होने में। और आज हम बात करने वाले हैं डाइट मिथ्स के ऊपर, यानी कि हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जो कि लोग काफी टाइम से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और इस चीज के पीछे कोई भी साइंटिफिक रीजनिंग या फिर लॉजिक नहीं है। सबसे ज्यादा कॉमन डाइट मिथ है कि कार्ब्स खाने से आप मोटे हो सकते हो। अगर आपकी लाइफस्टाइल प्रॉपर है, अगर आपकी डाइट प्रॉपर है, तो आप कभी भी कार्ब्स खाने से मोटे नहीं हो सकते। कई लोग कार्ब्स से इतना ज्यादा डरते हैं कि वो चाहे वो घर पे हो, चाहे वो पार्टीज में हो, किसी भी ओकेशन में हो, वो लोग कार्ब्स को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। जबकि कार्ब्स का इंटेक करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारे सेल रिपेयर के लिए, ग्रोथ के लिए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो कार्ब्स को बिल्कुल इलिमिनेट मत करो, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को सुधारो और अपनी डाइट को सुधारो। दूसरा सबसे कॉमन मिथ है, हैवी डिनर करने से आप मोटे हो सकते हो, इसलिए आपको हैवी डिनर नहीं करना चाहिए। मैं खुद अपने कॉलेज के टाइम से ये बिलीव करते हुए आ रहा था कि हमें हैवी डिनर नहीं करना चाहिए, लेकिन जब मैंने 2 साल पहले स्टडीज देखी और मैंने इस चीज को प्रैक्टिकल किया तो मुझे पता चला कि आप कितना बड़ा डिनर कर रहे हो, कितना बड़ा ब्रेकफास्ट कर रहे हो, कितना बड़ा लंच कर रहे हो, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर वो चीज करती है कि आप पूरे दिन में टोटल कैलोरीज कितनी इंटेक कर रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप पूरे दिन में अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज या मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खा रहे हो तो आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी बड़ा डिनर कर लो। एक और बहुत कॉमन मिथ है फैट लॉस डाइट्स में फैट को इलिमिनेट करना। काफी लोगों का ये मानना है कि फैट लॉस डाइट्स में फैट को पूरी तरह से इलिमिनेट करना चाहिए क्योंकि अगर हम एक्सेस फैट लेते हैं डाइट्स में तो वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। फैट का बॉडी में स्टोर होना या फिर फैट का बॉडी से रिलीज होना कैलोरीज पे डिपेंड करता है। तो फैट लॉस डाइट में आपको फैट्स को पूरी तरह से इलिमिनेट नहीं करना है, सिर्फ आपको फैट्स को लिमिट करना है। कभी भी आपको अपने डाइट्स में गुड क्वालिटी फैट्स को इंक्लूड करना है और बैड क्वालिटी फैट्स को एक्सक्लूड करना है, क्योंकि गुड क्वालिटी फैट्स को इंक्लूड करने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। थर्ड कॉमन मिथ है ब्रेकफास्ट स्किप करना। काफी टाइम से ये मिथ चलता हुआ आ रहा है कि अगर आप ब्रेकफास्ट को स्किप करते हो तो ये आपके वेट लॉस के लिए बेनिफिशियल है। एक्चुअली वेट लॉस के लिए इस अप्रोच को लेना ही गलत है। पूरे दिन में सबसे इंपॉर्टेंट मील आपका ब्रेकफास्ट होता है क्योंकि एक फास्टेस्ट स्टेट के बाद इस टाइम पे आपकी बॉडी को सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट मिथ है डॉक्टर्स डाइट। कई बार डॉक्टर्स काफी लोगों को ये डाइट वेट लॉस के लिए रिकमेंड करते हैं। उस डाइट में वो लोग पर्टिकुलर कोई वेज या फिर फ्रूट जैसे कि एप्पल्स ये रिकमेंड करते हैं और इसके अलावा और कुछ भी कंज्यूम नहीं करने देते। इस डाइट प्लान से सडन वेट लॉस तो हो जाता है, लेकिन अचानक से बाकी साइड इफेक्ट्स या फिर हार्मोनल इंबैलेंसेस हो सकते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है। जब कभी भी आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हो तो आपकी बॉडी को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स तो मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी क्वांटिटी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिससे कि ये सारे साइड इफेक्ट्स आने के चांसेस होते हैं। तो प्लीज अगली बार अगर आपका डॉक्टर या कोई आपको सजेस्ट करिए डाइट, तो प्लीज इस डाइट को अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट मिथ है शुगर हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है और इससे डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसमें से एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप अनहेल्दी हो, आप ओबीज हो, आपकी लाइफस्टाइल इनएक्टिव है और आप ज्यादा शुगर इंटेक करते हो। तो अगर आपकी लाइफस्टाइल एक्टिव है और आप लिमिट में शुगर इंटेक करते हो तो फिर आपको इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। और शुगर हम लोग जितना समझते हैं डेंजरस है या अवॉइड करनी चाहिए, उतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आपको शुगर को लिमिट करना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से अवॉइड करना ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक मिथ है। फास्टिंग करने से बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। इस मिथ के हिसाब से अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हम अपनी बॉडी को क्लेंस कर सकते हैं या फिर बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज कर सकते हैं, लेकिन इस चीज का कोई भी साइंटिफिक बैकअप नहीं है और ना ही इस चीज को कभी भी किसी भी साइंटिफिक स्टडी ने अप्रूव किया है। एक्चुअली हमारी बॉडी का खुद का एक क्लेंजिंग सिस्टम है जिसमें हमारा लिवर और किडनीज रेगुलरली क्लेंस कर रहे हैं बॉडी को, और उसके लिए हमें कोई अलग से फास्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मिथ, एनर्जी बार्स वेट लॉस डाइट्स के लिए अच्छे होते हैं। एक्चुअली एनर्जी बार्स कभी कभार कन्वीनियंस के लिए आउटडोर्स या फिर इमरजेंसी में सही है, लेकिन फैट लॉस डाइट्स में एज अ मील रिप्लेसमेंट उनको लेना एक सही आइडिया नहीं है, क्योंकि एनर्जी बार्स शुगर्स और फैट में काफी हाई होते हैं
और साथ ही साथ इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट डिलीवरी भी आपको नहीं मिलेगी जो आपको रियल फूड से मिल सकती है। कई लोग टेबल सॉल्ट को एक्सक्लूड करते हैं और उसकी जगह एज ए सब्स्टिट्यूट इंक्लूड करते हैं सी सॉल्ट को। वो लोग समझते हैं कि सी सॉल्ट ज्यादा हेल्दियर वर्जन है टेबल सॉल्ट से और उसमें सोडियम कंटेंट कम होता है, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं तो दोनों में सोडियम कंटेंट बिल्कुल बराबर है और फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने डाइट में टेबल सॉल्ट डाल रहे हो या फिर सी सॉल्ट। अब ये वीडियो एंड करते हैं लास्ट मिथ के साथ, जो कि है कोई एक ऐसा फूड आइटम या सप्लीमेंट जो कि आपके पूरे फैट को रिमूव कर सकता है, वो भी सिर्फ ऐसे। तो अगर कोई आपको ऐसी बात बोल रहा है या ऐसा कोई क्लेम कर रहा है तो वो एक बिल्कुल फॉल्स क्लेम है और ये बिल्कुल मिथ है। ऐसा कोई फूड आइटम या डाइट एग्जिस्ट ही नहीं करता प्लेनेट पे जो कि ऐसे ही कभी आपका फैट रिमूव कर दे। आपको फैट लॉस करने के लिए प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना कि और भी कोई ऐसे मिथ्स हो जो आपको पता हो, और मिलते हैं आपको कल की वीडियो पे।